क्या हुआ महाराज, क्या बात है? कुछ नहीं भाभी, ये लिली नहीं आई आज। नहीं आई, उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी। अरे हाँ, उसकी उंगली में कुछ लग गया था ना, शायद बुखार आ गया हो। एक बात कहूँ भाभी, ये लिली के बगैर घर कितना सुना सुना लगता है ना, जैसे घर में कोई है ही नहीं, ना कोई खटपट, ना कोई शोर शराबा, ना कोई झगड़ा। झगड़ा यानी कि झगड़ा करना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, बेकार में लिली की शिकायत करते रहते हो। भाभी वो झगड़ा शुरू करेगी तो मैं जवाब नहीं दूंगा क्या? लिली के साथ झगड़ा किए बिना तुम रह नहीं सकते महाराज। कितने कम समय में हम सबसे घुल मिल गई है ना वो। वैसे मैं उससे लड़ता झगड़ता रहता हूँ, पर कल जब उसकी उंगली कट गई तब मैंने ही तो हल्दी लगाई थी, यही कहना चाहते हो ना? और नहीं तो क्या, एक मिनट में खून बहना बंद हो गया कि नहीं? अरे ये दादी माँ की ट्रीटमेंट है, कभी फेल नहीं होती। अच्छा, लिली के साथ लड़ते झगड़ते अंग्रेजी भी बोलने लग गए? भाभी उसके साथ लड़ने झगड़ने में मजा आता है मुझे, मेरी बहन के साथ भी मैं ऐसे ही लड़ता रहता था। लिली को देखकर मुझे मेरी बहन याद आ जाती है। पारो के कमरे से आ रहे हैं आप? नहीं तो? तो फिर ये फिल्मी बातें क्यों करते हो? लिली की याद आ रही है ना, दोपहर का खाना बन जाने के बाद जाकर उसे मिल लेना। अरे सोनल मान ले मेरी बात, रख ले ये व्रत। भाभी अब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं इन सब बातों में। इसमें इंटरेस्ट का सवाल ही नहीं है, तेरे लिए बहुत अच्छा होगा, तू समझती नहीं है। क्यों समझती नहीं मेरी कुछ बात? नहीं भाभी। क्या 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 गॉसिप हो रही है? गॉसिप पर तुम्हारे बिना आ जाओ। अरे मैं तो सोनल को ये समझा रही थी कि उसे जया पार्वती का व्रत रखना चाहिए। अरे गेहूं के जवारे उगा देने चाहिए। अच्छा मतलब गेहूं की खेती होती है इसमें? अरे नहीं राजू, खेती थोड़ी होती है इसमें। औरतें अच्छा पति पाने के लिए ये व्रत रखती है और बिना नमक का खाना खाती है। लेकिन मैं कहती हूँ भाभी ये सब बेकार है, इसमें कोई फायदा नहीं। क्यों क्यों ऐसा कह रही हो? मुझे ही देख लो, मैंने लगातार 6 साल ये व्रत रखा, क्या मिला? अभय। इसलिए कहती हूँ भाभी इसमें कोई फायदा नहीं। लेकिन ये हमारे रीति रिवाज है, ये तो हमें पालना ही चाहिए। और तुझे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि ये व्रत कुंवारी लड़कियां रखती है और मैं थोड़ी कुंवारी हूँ। मगर मैं तो कुंवारा हूँ। हाँ? मैं तो रख सकता हूँ। तुम भी ये व्रत रखोगे? हाँ। पल्लवी के लिए ये व्रत रखूंगा मैं। अच्छा, लेकिन ये व्रत औरतें रखती है। अच्छा नहीं नहीं मैं नहीं मानता। अरे लड़कियां अगर अच्छा पति पाने के लिए ये व्रत रख सकती है तो मैं पल्लवी को पाने के लिए ये व्रत क्यों नहीं रख सकता? हाँ भाभी इसमें पॉइंट तो है। ठीक है राजू, तुम ये व्रत रख सकते हो। ओके। लेकिन बगैर नमक का खाना खाओगे? हाँ खाऊंगा खाऊंगा, उसमें क्या है, वजन थोड़ा बहुत कम हो जाएगा ना, क्या फर्क पड़ेगा? पल्लवी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आई जस्ट लव हर। पन्ना क्या हुआ? कुछ नहीं, आज सवेरे से तबीयत ठीक नहीं है। क्यों क्या हुआ? कल शाम तक तो तेरी तबीयत ठीक थी। हाँ लेकिन आज सवेरे से उल्टियां शुरू हो गई है, पूरे बदन में इतना दर्द हो रहा है और ये मेरी कमर तो जैसे है ही नहीं। प्रेगनेंसी में ऐसा तो होता ही रहता है। मैं अमेरिका से एस्प्रिन लेके आई हूँ, वो तुम ले लो। नहीं, डॉक्टर ने कोई भी दवाई खाने से मना कर रखा है, और खास तौर पर एस्पिरिन और एंटीबायोटिक्स, वो लेने से होने वाले बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है। ओ या, तो मैं काढ़ा बना देती हूँ, मुझे आता है। तुलसी के पत्ते, अदरक और काली मिर्च पीसकर वो जो वो सब मुझे पसंद नहीं है। अरे दवाइयां भी किसी को पसंद होती है क्या? आप फिकर मत कीजिए, मुझे सिर्फ थोड़े से आराम की जरूरत है। मैं महाराज से कहकर नींबू शरबत बनवा लेती हूँ। महाराज? अरे महाराज क्यों, मैं हाजिर हूँ ना। आपको सरदर्द है ना, ये लेप लगा देती हूँ। ये लेप? हाँ,
बस 2 कप पानी उबालकर उसमें ये पाउडर डाल दूंगी और बराबर मिलाकर इनके माथे पे लगा दूंगी। बस 10 मिनट में सर दर्द गायब। अच्छा रश्मि। हाँ जी। माँ जी कहाँ है? कहाँ होंगी, स्वामी जी से मिलने गई है ये पता लगाने कि ऑपरेशन करना पड़ा तो मुहूर्त कौन सा ठीक रहेगा। लो, अब मेरी कुंडली दिखानी काफी नहीं थी, अब बच्चों की कुंडलियां भी अपनी मर्जी से बनवाएं। अब उन्हें स्वामी जी में विश्वास है तो क्या करें। अच्छा ही तो है, शायद मैंने सोनल की शादी से पहले ही कुंडली बनवाकर अभय की कुंडली से मिलाई होती तो सोचती हूँ अब बनवा लूं। अब जो बीत गया उसे याद करने से क्या फायदा, उसकी भलाई के लिए ही तो कह रही है, माँ है ना उसकी। ये माए कभी नहीं बदलेंगी। रिकॉर्डिंग स्टार्ट। पल्लवी, तुम मेरी आंखों के सामने से दूर ही नहीं होती पल्लवी, और जब मैं आंखें बंद कर लेता हूं तो मेरी पलकों के अंदर से फिर से मेरी आंखों में समा जाती हो पल्लवी। पल्लवी, ये कैसा जादू किया है तुमने मुझ पर, ये मुस्कुराहट मेरे चेहरे से दूर ही नहीं होती। देखा, सुना। क्या करूं, घर वाले समझते हैं कि मुझे बार बार कोई ना कोई जोक याद आ जाता है इसलिए हंस रहा हूं। पल्लवी, तुमसे इतना प्यार करने के बावजूद तुमसे आई लव यू कहने में हिचकिचाहट हो रही थी, इसलिए मामा जी ने ये कैसेट वाला आइडिया दिया मुझे। अब मैं बेझिझक कह सकता हूं आई लव यू पल्लवी, आई लव यू, आई लव यू। अरे हाँ पल्लवी, अगर तुम्हें जवाब देने में हिचकिचाहट हो रही हो तो तुम ही मामा जी से सलाह ले लेना, ही इज वेरी नाइस। मेरे ख्याल से इतना काफी है। थैंक यू, योर फेथफुली राजू राजकोट वाला। राजू क्या हो रहा है? नहीं वो इसका हेड खराब हो गया था ना। अच्छा अच्छा, टेप का हेड कि तुम्हारा हेड? मेरे हेड को क्या हो गया है? मेरे सामने एक्टिंग करते हो, एक्टिंग करना मेरा काम है, मुझसे छुपाते हो, बताओ बात क्या है? भाभी बात यह है कि पल्लवी के पेरेंट्स ने आज मुझे खाने पर बुलाया है रात को। अच्छा अच्छा, खाने पर बुलाया है, खाने पर रात को बुलाया है और तैयारियां अब से शुरू हो गई है, ये क्या टेप कर रहे थे? नहीं वो मैं अपने दिल की बात। अच्छा अच्छा, लव मैसेज। अरे मुझसे कहते ऐसे ऐसे मैसेज सिखाती कि पल्लवी सुनकर पागल हो जाती। नहीं नहीं, पल्लवी जैसी है वैसी ही ठीक है मेरे लिए, मुझे किसी पागल लड़की से शादी नहीं करनी। अरे स्टुपिड, तुम्हारे प्यार में पागल हो जाती, सच में नहीं। अच्छा बताओ, पल्लवी के घर जाकर सबसे पहले तुम क्या करोगे? खाना खाऊंगा। ओहो, क्यों, क्या हुआ? जाते क्या तुम ये कहोगे कि मुझे खाना खिलाओ, मुझे भूख लगी है? नहीं ऐसा कहूंगा तो नहीं, पर अब डिनर पर बुलाया है तो खाना तो पड़ेगा है ना। नहीं, जब लड़की के माँ बाप डिनर पर बुलाते हैं तब बात कुछ और ही होती है। मतलब ये कि पहले वो लोग तुम्हारा दिमाग खाएंगे उसके बाद खाना खिलाएंगे, कुछ समझे? अच्छा, नहीं फिर मैं जाते ही करूँ क्या, मतलब एंट्री कैसे लूँ? लाल गुलाब का गुलदस्ता लेकर। ओके, पल्लवी को लाल गुलाब बहुत पसंद है वैसे भी। भगवान, अरे ये लाल गुलाब का गुलदस्ता उसकी मम्मी को देना, पल्लवी को नहीं। अच्छा, पर पल्लवी को शायद अच्छा नहीं लगेगा। अरे पल्लवी खुश हो जाएगी, और मौका मिलते ये आई लव यू वाला कैसेट पल्लवी के हाथ में दे देना। ओके, थैंक यू भाभी, ऑल द बेस्ट, माय विशेस आर ऑलवेज विद यू। थैंक यू वेरी मच। तुम्हें बर्बाद करना कितना आसान है ना?
अपनी तबाही बर्बादी का इंतजार करो। तुम्हारी बदकिस्मती तुम्हारी ओर तूफानी रफ्तार से बढ़ रही है और अब उसे कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं, मैं भी नहीं, क्योंकि यही तुम्हारी तकदीर है। को अपना हम अपना कह लेते यार, पास नहीं तो दूर ही होता। लेकिन महाराज, ए महाराज, तबीयत तो ठीक है ना? आज तुमने मुझे गेट आउट क्यों नहीं कहा? मैंने तय कर लिया है कि आज मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूंगा। अच्छा अच्छा, ये सब तय करने वाले तुम होते कौन हो? तुम ही कहती हो ना कि मैं तुमसे झगड़ा करता हूँ, तो मैंने तय किया है कि आज मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूंगा, इसलिए पता चल जाएगा कि कौन झगड़ा करता है। तो तुम्हारा मतलब ये है कि झगड़ा मैं करती हूँ? मैंने तुम्हारा नाम लिया। सब समझती हूँ, सब समझती हूँ, सारी दुनिया देखी है मैंने। आई हैव 16 इयर्स एक्सपीरियंस। देखो आज के बाद तुम मेरा नाम लोगे तो मैं तुम्हारा थोबड़ा तोड़ दूंगी। ओए होए होए होए, बहुत ताकत आ गई, लगता है मेरे हाथ का बना हुआ बादाम का हलवा खाया है सुबह नाश्ते में। नहीं, मैं तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ खाना कभी नहीं खाती हूँ। हाँ तो भूखी मर जाओगी। भले भूखी मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारा हाथ का बना हुआ खाना मैं कभी नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी। सोच लो। देखो मैं तुम्हें रसोई घर में आने से तो मना नहीं कर रहा हूँ, पर रसोई करना मेरा काम है, इसमें मैं तुम्हें हाथ नहीं डालने दूंगा। मैं मैडम से कंप्लेन करूंगी। शौक से कंप्लेन करो, पर तुम्हारी कंप्लेन दबा दी जाएगी, क्योंकि इस घर के फैसले सिर्फ मालिक करते हैं और मालिक सिर्फ मेरी ही सुनेंगे। क्यों, मेरी जुबान नहीं है? मैं जाके नहीं कह सकती हूँ मालिक से कि तुम झूठे हो। हाँ हाँ, पर तुम्हें शायद पता नहीं कि मैं यहाँ तुमसे सीनियर हूँ। कैका सीनियर, आई हैव 16 इयर्स एक्सपीरियंस। चमचागिरी करने का? चमचागिरी करने का काम तुम्हारा है, मेरा नहीं, और तुम्हें ही मुबारक। लेकिन महाराज, आज खाना क्या पका रहे हो? खाना खाने वाले है कहाँ, सब अपनी अपनी उलझनों में उलझे हुए हैं, किसी को खाना खाने की फुर्सत ही कहाँ है। एक राजू भाई है जो वक्त पर आके खाना मांगते हैं, पर आज तो वो भी अपनी गर्लफ्रेंड पल्लवी जी के घर खाना खाने जा रहे हैं। राजू भाई वहाँ पहुँच कर अपनी गर्लफ्रेंड को भूल कर खाने पर ही टूट पड़ेंगे, अकाल पीड़ितों की तरह। लो बेटे। ओह थैंक यू, क्या बात है, मजा आ गया आंटी, बहुत मजा आ गया। क्या बढ़िया खाना था, किसने बनाया था? मैंने बनाया था, मैंने और पल्लवी ने मिलकर खाना बनाया था। अच्छा, उसमें भी पूरन पोली, तो आई जस्ट लव्ड इट। हाँ, पर पूरन पोली बनाने में पल्लवी ने मेरी कोई मदद नहीं की थी, वो मैंने अकेले ने बनाया था। राजू, तुम शायद ये बुके मम्मी के लिए ले आए थे, वो मैं देना शायद। हाँ हाँ, जब मैं आया ना आप अंदर थी, आपके लिए आया था। मेरे लिए? हाँ। कितने प्यारे है ना गुलाब, है ना? कितने सालों बाद किसी ने मुझे फूलों का गुलदस्ता दिया है। सालों बाद, मतलब पिछली बार किसने दिए थे? नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, मुझे बड़ी शर्म आती है। अच्छा, बॉयफ्रेंड था? अच्छा, अंकल ने दिए थे? अंकल आपने दिए थे? जब पहली बार उन्होंने हाँ कहा था ना, तब दिया था। तब मुझे इतनी खुशी हुई थी, इतनी खुशी हुई थी, मैं कुछ बता ही नहीं सकती उसके बारे में। आपको फूल बहुत पसंद है? हाँ। अब तो मैं जब भी आऊंगा ना, आपके लिए फूल लेकर आऊंगा। ओके, थैंक यू। अरे भला फूल किसे पसंद नहीं होते, और चाचा नेहरू को तो गुलाब बहुत ही पसंद थे। हाँ। चाचा नेहरू तो ऐसे कह रही है जैसे सगे में उसके चाचा लगते हो। आपको तो मेरी हर बात की मजाक उड़ाने की आदत सी हो गई है। गांधी छाप नोट गिरने से फुर्सत मिले तब तो सोचोगे चाचा नेहरू और उसके गुलाब के बारे में। आंटी, आपका भी सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है। संगत का असर है, अब इतने सालों से हमारे साथ पाला पड़ा है, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा तो होना ही है। ऐसा ही होता तो गिरीश इतने साल से अपने साथ ही रहता है ना, क्या हम उसे समझ पाए हैं? लेकिन
अब तो शादी के लिए पूर्णिमा ना कह रही है ना? लेकिन पहले ना किसने कह दी थी? गिरीश ने ना? पूर्णिमा को सताया किसने? गिरीश ने ना? और अब पूर्णिमा ये अगर सोचती है कि गिरीश किसी दबाव में आकर या डर के कारण शादी के लिए हाँ कह रहा है, तो उसमें पूर्णिमा गलत थोड़े ही तो सोच रही है। हाँ, मगर अब तो पूर्णिमा ने बच्चे को जन्म देने का फैसला किया है और बच्चे की देखभाल भी वो अकेले ही करेगी, और गिरीश को हमेशा के लिए कहाँ है गिरीश? महाबलेश्वर गए हैं अपने दोस्तों के साथ। पूर्णिमा को भुलाना इतना आसान तो नहीं है, और इतने सालों तक एक दूसरे के करीब रहने के बाद यूं बिछड़ जाना इतना आसान तो नहीं है राजू। मैं समझ सकता हूँ कि गिरीश इस वक्त बहुत टेंशन में होगा, बट डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। पूर्णिमा की कोई खबर? हाँ, वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती है और उसने भी एक जॉब शुरू की है और शाम को एम्ब्रॉयडरी की क्लासेस चलाती है। अच्छा। हाँ, ये शर्ट पर एम्ब्रॉयडरी पूर्णिमा ने ही की है। ओह, मतलब उसने अपने पैरों पे खड़ा रहना शुरू कर दिया है। हाँ, कोशिश तो कर रही है। मैं परसों ही उसको मिलने जाने वाला हूँ। आंटी, अगर आप आना चाहें तो। राजू बेटे, मैं तो अब भी यही चाहती हूँ कि पूर्णिमा और गिरीश में दोनों में जल्दी सुलह हो जाए और दोनों जल्दी से जल्दी शादी कर लें। पूर्णिमा ने आज तक बहुत तकलीफें सहन की हैं और मैं उसे और तकलीफ देना नहीं चाहती। कुछ ही दिनों के बाद मैं खुद ही उसे मिलाऊंगी। राजू बेटा, शादी हो गई? आपकी हो गई? इसे कहते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर। नहीं अंकल, अभी तक हुई तो नहीं है, पर शादी करने की सोच रहा हूँ। कोई लड़की मिली कि नहीं? हाँ, एक मिली है, मगर अभी तक प्रपोज नहीं कर पाया। क्यों, कौन है वो लड़की? आपको भी जल्द पता चल जाएगा। अभी फिर हम सब राजू की शादी में जाएंगे, ओके? हाँ हाँ, जरूर चलेंगे। हाँ, आपको तो आना ही पड़ेगा, आपके बगैर तो मेरी शादी होगी ही नहीं। अरे ठीक से कर, क्या कर रहा है, रॉन्ग है ये। मम्मी, मेरी छुट्टी है, फिर भी होमवर्क। मैथ्स के लिए हमेशा प्रैक्टिस करते ही रहना चाहिए। पर मुझे ड्राइंग अच्छा लगता है। ड्राइंग से तो नानावटी खानदान का नाम रोशन करेगा। हाँ, अरे आगे चल के तुझे बिजनेस संभालना है, वो भी करोड़ों रुपयों का, उसके लिए मैथ्स करना जरूरी है। पर मुझे मैथ्स अच्छा नहीं लगता है। अच्छा नहीं लगता है मतलब अच्छा लगना ही चाहिए, तुझे कैसे अच्छा नहीं लगता है, कैसे अच्छा नहीं लगता है, मारो एक। अरे बहू बहू, ये क्या कर रही हो, बच्चे को क्यों मार रही हो? ये कोई पढ़ाने का तरीका है? बच्चे को इस तरह डरा धमका कर पढ़ाना अच्छी बात नहीं है बहू। माँ जी प्लीज, आप चुप रहिए, आपका जमाना और था। बहू, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, मैंने भी अपने 4 बेटे और 2 बेटियों को पढ़ाया है, लेकिन कभी हाथ नहीं उठाया। अगर अगर तुम्हारे पास नहीं पढ़ता है तो रश्मि से कह दो, वो पढ़ा दिया करेगी। रश्मि? मेरा बेटा भले ही अनपढ़ रह जाए लेकिन वो रश्मि के पास कभी नहीं सीखेगा, सब उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाएगी मेरे बेटे को। ऐसी बातें क्यों कर रही हो बहू? रश्मि तो तुम्हारे बेटे को अपना ही बेटा समझती है, लेकिन अक्षय है तो मेरा बेटा ना, और नानावटी खानदान का वारिस भी। मेरे बेटे का भविष्य बिगाड़ने की रश्मि की उम्मीद को मैं कभी पूरी नहीं होने दूंगी। ऐसी कड़वी बातें क्यों कर रही हो बहू? तुम्हारे पास नहीं पढ़ता इसलिए? मेरे पास ना पढ़ता है ना सही, लेकिन वो रश्मि के पास तो कभी नहीं पढ़ेगा। और अगर रश्मि को बच्चों को पढ़ाने का इतना ही शौक है तो उसे कह दीजिए ना कि अपना बच्चा जने और फिर उसे जो भी सिखाना है सिखाए, लेकिन मेरे बेटे को बख्श दे। चल तू आगे कर।